गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल नरसिंहपुरा पहुंच गया था रात को करीबन 7:30 को। फिर मैं आके ये है नेशनल हाईवे 44, यहाँ पे एक आश्रम है, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये पीछे अपनी बाइक है, यहाँ पार्क करी थी और मैं यहाँ अंदर एक रूम है परिक्रमावासियों के लिए दिया जाता है, यहाँ पे मैं रुका हुआ था। वहाँ खुले में स्नान किया मस्त ठंडे पानी से। आज अभी यहाँ से निकल के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। आज मुझे हाड़िया जाना है, हाड़िया से फिर आगे देखता हूँ कहाँ रुक सकता हूँ। डे 10 नर्मदा परिक्रमा, हर नर्मदे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात को मैं जहाँ रुका था उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। गुजराती में मुझे कपल मिला था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप नरसिंहपुर जाओगे तो वहाँ ग्रीन पार्क होटल में जाना, वो आपके लिए रहने की सुविधा कर देंगे। मुझे थोड़ा डाउट था और वो असमंजस था, तो मैंने लखनदौन पहुँच के उनको कॉल किया। उनका नाम है मुकेश जी। मुकेश जी को मैंने कॉल किया, मैंने बोला मैं बाइक से परिक्रमा कर रहा हूँ और मुझे रहने की सुविधा चाहिए। तो उन्हें बोले आप पधारिए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपका। ये है मुकेश जी, जो यहाँ नर्मदे हर, जो यहाँ हर एक परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, अपना खुद का बिजनेस छोड़ के उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और एक पीछे उन्होंने एक धर्मशाला जैसा बनाया है जहाँ हर परिक्रमा वासियों को वो रहने की सुविधा पूरी देते हैं और यहाँ उनका भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने खुद ने परिक्रमा की है और सच में इतना बिजी होने के बाद भी ये काम करना इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। मैं हर एक परिक्रमावासी को बोलूँगा कि अगर आपके सुविधा नहीं होती है और आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो यहाँ उनको सेवा का मौका दीजिएगा। एक बात तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, नर्मदावासी जो परिक्रमा जो कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा और परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए हर हमेश हर लोग तत्पर रहते हैं। ये देखिए इतना बड़ा ग्रीन पार्क होटल खोल के, इतना बड़ा होटल है, इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी परिक्रमा वासियों के लिए इतना कुछ करना है, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। अभी नरसिंहपुरा से मैं निकल चुका हूँ, नरसिंहपुरा से मैं अभी ये रूट ले रहा हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा होशंगाबाद, होशंगाबाद होते हुए मैं आगे हांडिया चला जाऊँगा। बीच में मुझे सातपुड़ा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से होके गुजरूँगा, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। आज इतने सारे फॉरेस्ट को मैंने कहा, कल कहा मैंने कहा के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से मैं गुजरा था, आज सातपुड़ा टाइगर रिजर्व होके मैं जाऊँगा। तो अच्छे एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। आप लोग भी कर सकते हैं बाइक से नर्मदा परिक्रमा, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं 12 दिन में ही मेरी परिक्रमा पूरी करने वाला हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा ये YouTube के माध्यम से आप लोगों को यही बताना है कि कम समय में भी नर्मदा परिक्रमा की जा सकती है। मुझे एक बाबा मिले थे, बाबा ने बोला था कि परिक्रमा का तो महत्व ये है, महत्व ये है कि तीन साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा होती है। बट आज के ज़माने में हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। नर्मदा परिक्रमा चाहे किसी भी माध्यम से आप करें, वो नर्मदा परिक्रमा है और मैया उसका फल आपको जरूर देगी। वो कहते हैं ना, जितनी भक्ति करो इतना फल मिलेगा। आप बाइक से कर रहे हो तो आपको इतना फल मिलना है, पर फल तो मिलना ही है। और ये परिक्रमा आप एक भी रुपए के लिए बगैर कर सकते हैं। रहना खाना आपको हर जगह पे मिल जाएगा, हर जगह पे अच्छी सुविधा बनी हुई है। एक अच्छा सा स्किल करके निकलो।
छोटा छोटा होल लिया था ब्रेड, टी ब्रेड, कोई चाय और बिस्किट खा के अभी निकल रहा हूँ आगे। तो होशंगाबाद यहाँ से 38 किलोमीटर है, होशंगाबाद अंदर में नहीं जा रहा हूँ, होशंगाबाद से बाईपास जो एक रोड है वहाँ से लेके सीधा हरदा। आज का मेरा नाइट स्टे हादिया में है, देखते हैं अभी 4 घंटे का रास्ता है, 4 आवर्स टू गो, 4-5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। वेरी हैप्पी, 1 or 2 days टू गो टू कम्प्लीट माई नर्मदा परिक्रमा। कल एक और एक दिन, 2 दिन, 2 more days, आई एम सो एक्साइटेड। सर नर्मदे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रात शाम को मैं 5 बजे के आसपास पहुंच गया था हांडिया। पहुंचने के बाद एक आश्रम में हुआ हूँ। आने के बाद थोड़ा फ्रेश हुआ, फ्रेश होके फिर पूजा पाठ और फिर बातों में सत्संग में बैठ गया। तो अभी लेट वीडियो बना रहा हूँ, अभी कल ओमकारेश्वर पहुँच जाऊँगा। 3-4 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे में ओमकारेश्वर पहुँच जाऊँगा। फिर नेक्स्ट डे जो भी पूजा वगैरह है वो करके फिर अहमदाबाद के लिए निकल जाऊँगा। आई एम सो एक्साइटेड, Day 10 ऑफ माय नर्मदा परिक्रमा। बोलो हर हर नर्मदे। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।